ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं और ये होगी जुलाई मंथ, जो कि अब बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और समझ लीजिए राउंड द कॉर्नर ही है और आने वाला है। और पिछली बार मैं जून की रीडिंग डालने में थोड़ा डीले हो गई थी, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू बी थोड़ा सा सतर्क होकर मैंने पहले रीडिंग बनाने का सोचा है। और मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपको पहले से ही पता हो, पहले से आप रेडी हो, तभी तो आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। सो जुलाई मंथ की वो कौन सी दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी हैं, घटनाएं हैं, जो चीज़ें फोकास्ट करने जा रही हूँ इस रीडिंग में, जो कार्ड्स बताएंगे आपके लिए, तो उन्हें देखना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। काफ़ी लोग अभी भी बोलते हैं, खैर मैं किसी को रोकना नहीं चाहती, सब फ्री विल से जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कहते हैं हमें तो ये रीडिंग गलत लगती है, आपने तो हमारी गलत रीडिंग की है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बार बार आपको एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके यही बोलूँगी, मैं किसी की गलत रीडिंग नहीं बनाती, मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ। और मेरी तरह और कितने टैरो रीडर्स हैं आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिनके मेरे ख्याल से हज़ारों, मेरे तो हज़ारों में अभी वो भी आप लोगों के सपोर्ट से हुए हैं, उनके तो लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और वो कितने सालों से दे आर डूइंग रीडिंग। मतलब आप सबका, इवन मेरा खुद का उन पर ट्रस्ट है, मैं उनको देख देख के सीखी हूँ, उन्हीं में से कोई एक मेरे को सिखाया भी है, मैंने उन्हीं में से किसी एक से सीखा है और आज मैं अगर कुछ हूँ तो उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। तो देखिए, जो इतने पुराने टैरो रीडर्स हैं वो ऐसे ही मार्केट में नहीं आए हैं, और इनफैक्ट उन लोगों को तो पर्सनल रीडिंग का इतना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। अब आप, मैं भी कभी उनकी वेबसाइट पे, उनके सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाकर जब अपने नाम से अपने साइन से रीडिंग देखती हूँ तो मेरी भी नहीं मैच होती, तो मुझे भी ऐसा लगता है अरे मैम की तो मेरे को मैच नहीं हुई। तो वो जनरल रीडिंग है, इतना लंबा बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अपने सन एंड मून साइन, अपने नाम राशि से जिस चीज़ से आपको मैच करे उससे आप देखें और लाइट वे में इन रीडिंग्स को देखें, ज़्यादा स्ट्रेस लेके प्लीज़ आप मत देखा करें, ठीक है। अब हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा मैसेज था जो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो सैजिटेरियस यानी के धनु राशि, सो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग जुलाई मंथ में, वो कौन सी चीज़ें हैं जो होकर रहेंगी और जो दिख रही हैं आपके लिए। सैजिटेरियस कम्प्लीशन, ब्यूटिफुल कार्ड फॉर सैजिटेरियस, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ ऐसा है आई थिंक सैजिटेरियस जो कि कम्प्लीट होने वाला है या क्या है, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। सो मुझे जो दिख रहा है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। सैजिटेरियस, जुलाई मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको सामने से एक पुशबैक मिल रहा था, आप बार बार ट्राई करते थे स्टेबिलिटी के लिए, बट सामने वाला आपको जैसे कहते हैं ना बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दे रहा था, कहीं ना कहीं आप अपनी उस पूरी एक जर्नी में, जैसे कहते हैं ना विजय की तरह, विजय भव वाला हिसाब होगा कि आप जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपका वो काम बहुत खूबसूरती से क्लियर और क्लीनली आगे बढ़ता नज़र आ रहा है मुझे। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते नज़र आ रहे हैं। अगर टावर मोमेंट भी आया है आपकी लाइफ में, यानी कुछ पीछे ख़त्म हुआ भी है, तो आप कम्प्लीटली उससे बाहर निकलकर अपनी लाइफ को जुलाई में न्यू बिगिनिंग करते नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, जहाँ पर आप बहुत हिम्मत से, बहुत दिल से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। सो बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, सबसे पहली ही आपके लिए बहुत न्यू बिगिनिंग और न्यू उसके कार्ड्स आए हैं, पैशनेट बिगिनिंग के।
अगला है एक्सपीरियंसिंग का। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके उससे आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस कार्ड में भी देखें तो ये लेडी जो है ये एक ऐसे पेड़ के पास खड़ी है जहाँ पर फूल ही फूल खड़े पड़े हैं, और ऐसे मतलब जैसे एक कहते हैं ना, एक बुरे समय से कोई इंसान आगे अच्छे समय की तरफ जाता है। क्लैरिफाई करते हैं, द नोन कार्ड, द सन एंड द चैरियट, ब्यूटिफुल। जो भी मतलब एक्सपीरियंसिंग के कार्ड को देख के बोला था ना, वही इसमें आ गया। मतलब कि जिन अननोन कार्ड का कहीं ना कहीं मतलब होता है, जिन अननोन चीज़ों से, जिन फालतू चीज़ों से आप अब तक अफेक्ट हुए हैं, या जिन बेकार के लोगों ने आपको ऐसा दुख परेशानियां दी हैं, आप बहुत ही प्यार से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग, जैसे कुछ फीमेल्स हैं जो अपने बच्चों के साथ लाइफ में आगे का एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हैं, या कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनको बेबी हो नहीं रहा था, उनकी लाइफ में बेबी होने वाला है, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, कुछ का ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ को कहीं पे सेटल करना चाहते थे, कहीं जाना चाहते हैं किसी दूसरी स्टेट में, कहीं दूसरी जगह, कुछ नया करना चाहते हैं जहाँ पर अभी तक वो शायद बहुत अननोन थे, श्योर नहीं थे। जुलाई मंथ में आप कुछ नया, कुछ बड़ा बिग करने वाले हैं, और ये मंथ आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लेकर आने वाला है। आपका पहला कार्ड भी कंप्लीशन का आया था, यानी कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें पाने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत बुरा आपने एक फेज़ देखा, एक टाइम देखा, एंड फाइनली अब वो ख़त्म होकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। सो मुझे आपकी लाइफ की ये दोनों जो घटनाएं हैं, जो होती और जो कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं, जिसमें अब आप आगे बढ़ रहे हैं, वो दिख रहा है सैजिटेरियस धनु राशि इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरह से आपको चलना है जुलाई मंथ में। बट उससे पहले, अगर आपने अब तक रीडिंग को लाइक नहीं किया है या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लस सबसे पहला पर्सपेक्टिव का कार्ड ये कहता है कि आपको चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना होगा। अगर अभी तक आप नहीं देख रहे थे तो अब देखिए। सबसे पहला कार्ड पर्सपेक्टिव का है, एक चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से, डिफरेंट तरह से एक बिगर पिक्चर देखनी होगी कि आज मैं जो भी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, उसका आने वाले 5 साल में, 10 साल में मेरी लाइफ पे क्या असर होगा, इस तरह से। एंड नेक्स्ट रैफेल आपको कहते हैं हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। वो मैंने आपको पहले कार्ड में ही बोला, कंप्लीशन के कार्ड से ही दिख गया था कि आप कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये हो जाए, एंड जुलाई मंथ आपके लिए वो खुशखबरी लेके आने वाला है, और वो आपका काम जो है, जो अटका हुआ था, वो आपका होने वाला है। प्लस अबंडेंस आएगी, हीलिंग होगी, जहाँ तक आप अभी तक अनहील्ड फील करते थे, हीलिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। सो ये है माय डियर सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी जुलाई मंथ की वो दो सबसे बड़े चेंजेस, बदलाव, घटनाएं, भविष्यवाणी जो होने के लिए दिख रही हैं। और आई होप फ्रेंड्स आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रीडिंग को लाइक करें। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स।